हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। आपको पता होगा कि योगी सरकार 2.0 ने अब अपना नए बजट के बारे में भी संकल्प पत्र जारी किया है। आपको पता होगा दोस्तों कि नए बजट में संकल्प पत्र व केंद्रीय योजनाओं की नजर आएगी छाप। जी हां, मुफ्त सिलेंडर से लेकर राशन की योजनाओं तक के बड़े ऐलान होंगे। दरअसल आपको बता दें, सरकार ने सिर्फ 3 महीने के लिए फ्री राशन योजना को बढ़ाया है, लेकिन आने वाले योगी 2.0 के बजट में और भी कई चीजों की योजनाओं के लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे, चाहे वो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन से हो या फ्री स्कूटी या पेंशन योजना, फ्री बस यात्रा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं योगी 2.0 बजट, यानी नए बजट में संकल्प पत्र व केंद्रीय योजनाओं की नजर आएगी छाप। मुफ्त सिलेंडर व राशन को मिल सकती है सौगात। जी हां, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नए बजट में भाजपा के लोक कल्याणकार संकल्प पत्र 2022 व केंद्रीय बजट में घोषित गति शक्ति व किसान ड्रोन जैसी नई योजनाओं की छाप नजर आएगी। विभाग बजट प्रस्तावों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट विधानमंडल के आगामी सत्र में लाने की तैयारी है। जैसे ये बजट पेश किया जाएगा तो आपको लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। योगी सरकार 2.0 में विभागों को शीर्ष स्तर पर कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखकर बजट प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। मसलन, पिछले वर्षों में जिन योजनाओं में बजट प्रावधान अधिक किया जाता रहा है लेकिन बड़ी राशि खर्च नहीं हो पाती है, वहाँ कम आवंटन का प्रस्ताव किया जाए। आपको बता दें, अधूरे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें तो सड़क, बिजली, हर घर पानी, मेट्रो, पूर्व घोषित 4 एक्सप्रेसवे जैसे अधूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक बजट प्रावधान तय हैं। वहीं पर लोक कल्याण संकल्प पत्र, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बनी है, उसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्ष में 2 गैस सिलेंडर फ्री देने के वादे को पहले ही बजट में शामिल करने के लिए तैयारी है। वहीं राज्य सरकार ने मुफ्त राशन को भी अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया है और आने वाले समय में भी इसको बढ़ाएंगे और इस पर आने वाले खर्च की व्यवस्था होगी। वहीं पर किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का, तो वो भी अब सरकार अपने बजट में पेश करेगी और उसका लाभ भी किसानों को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार ने अपने संकल्प पत्र में ऐलान किए थे वो पूरे होने वाले हैं। एक बार आपको बता दें, महिला शक्ति यानी उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत छात्राओं को फ्री स्कूटी दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उनको 12वीं पास होना जरूरी है और साथ ही साथ 75% तक अंक उनका आना बेहद आवश्यक है, तो उसका भी लाभ मिलेगा। बजट में पेश किए जाएंगे, सारी जानकारियां आपको बताएंगे हम लेटेस्ट अपडेट में। हमारे साथ ऐसे ही आप बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। साथ ही जो टैबलेट स्मार्टफोन है वो छात्रों को अब बटने वाला है, 2 करोड़ छात्रों को मिलेगा। सरकार इसके बारे में भी योजनाओं को अपने बजट में पेश करने जा रही है, तो जल्द ही ये मई जून में बजट पेश होगा और उसके बाद आपको इसका लाभ सीधे मिल पाएगा। आने वाले समय में इसके बारे में और भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।